मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर मैंगो एयर कूलर। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको विदासर तहसील के दोरा की ढाणी का दृश्य दिखा रहा हूँ। साक्षात त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति पंडित रेवती रमन जी महाराज का मंदिर, जहाँ पर महाशिवरात्रि महोत्सव की आज अमावस्या की रात्रि है और पंडित जी महाराज की रात्रि को ठीक 9:15 बजे ज्योत होने वाली है। दिव्य कीर्तन ओम नमः शिवाय का चल रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, बुजुर्ग एक बूढ़ी मैया किस तरह से नाच रही है, लगातार 2.5 घंटे से वो नृत्य कर रही है। भक्ति में शक्ति है इसका, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। पूरा मंदिर भक्तों से अट चुका है और 9:15 बजे जब पंडित जी की ज्योत होगी उस समय का नज़ारा देखते मिलेगा और दिव्य ज्योत के दर्शन हम आपको आज करवाने वाले हैं। Oh,
शंकर भगवान की पार्वती माता की जी। मास्टर जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पर पूर्ण आहुति करवाते हैं, जोत करवाते हैं पंडित जी महाराज के। हर महात्माओं की तपोस्थली में अनेक संत महात्मा इस अवसर पर बुलाते हैं। यज्ञ पूर्णावति हो रही है। संसार में बाप सगड़ी व्यवस्था कर देवे नी, या चार महीना में चौकी भगवान शंकर प्रसाद करा के सगले जीवां ताई धान अन्न घास पैदा करके, और पछे कार्तिक की पूर्णिमा ने विष्णु भगवान ने सजावा जब उठ जो सगड़ी चीज तैयार है, और अब राज करो, अब मैं भगवान करा। तो आ भगवान शंकर की कृपा है, आशा करूं कि माँ सगड़ा ने हमारे पूरे भारत में शांति रखे, सगड़ा ने निरोग रखे, और सगड़ा ने आनंद देवे, और भारत माता की सेवा मात पिता की सेवा करता रवे। पंडित जी रेव जी रमन जी महाराज की कृपा प्रसाद से निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुयो यज्ञ के मायने। जो कुछ भी अच्छी बात है, जो कुछ भी बढ़िया बात है, वह सब भगवान शंकर को कृपा प्रसाद है, पंडित जी महाराज को कृपा प्रसाद है। यज्ञ में कोई भी त्रुटि है, बिरदिए आचार्य उत्तरदायी है, कोई भी यज्ञ के मायने बुराई हुई है तो बिरदिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूं। यज्ञाचार्य की हैसियत से यज्ञ में भाग लेने वाला जितना भी यजमान है, यज्ञ में भाग लेने वाला जितना भी कार्यकर्ता है, जो भी यज्ञ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रकार की सेवा करी है, बा सब ने मेरी तरफ से खूब बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान बागे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। पंडित जी महाराज की दिव्य ज्योत होने वाली है। दोरांगी ढाणी का दृश्य आप देख रहे हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव में अब पंडित जी महाराज की दिव्य ज्योत होने वाली है। हजारों भक्त इस समय मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। पंडित जी महाराज की ज्योत होने वाली है। दोरांगी ढाणी शिवरात्रि महोत्सव का सबसे दिव्य कार्यक्रम पंडित जी महाराज की जोत होने वाली है। पंडित घनश्याम जी और सभी भक्त यहाँ पर अब पंडित जी की जोत करेंगे। आइए दिव्य जोत के दर्शन करते हैं। और ये देखिए पहले आहुति में शिव को रखे
संकट कटे संकट कटे शिव को रख रटे संकट कटे शिव को रख रटे संकट कटे शिव को रख रटे संकट कटे पंडित जी की दिव्य ज्योत के दर्शन सभी को करवाए जा रहे हैं। दोरा की ढाणी का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित घनश्याम जी शर्मा के सानिध्य में ज्योत हुई है और सभी पंडित जी के ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। जी महाराज की ज्योत अब यहाँ पर गोरखनाथ जी के धुड़े पर आएगी। के सभी यजमान भगवान का शिवलिंग लेकर आ रहे हैं। अलौकिक कार्यक्रम बिदासर तहसील की धोरा की ढाणी से, जहां पर पंडित रेवती राम जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव आज रात्रि में महाज्योति के दर्शन आपने किए, पूर्णावती हुई। दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर पूरी तरह से त्याग और तपस्या की दरा है, जहां पर एक रुपया पैसा चढ़ाना मना है, कोई प्रसाद नहीं करता और 10 दिन का ये महोत्सव केवल भगवान शिव की कृपा से संपन्न होता है, जो आज संपन्न हुआ है। और ऐसे के तमाम दर्शकों के लिए मंगल कामना करते हैं कि भगवान शिव और पंडित जी महाराज की कृपा संपन्न बनी रहे। ऐसे सुधागले में शिव कुमार तिवारी की विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।